हेलो गाइस, वेलकम टू O2IS एकेडमी। और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस सेशन में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है अभी अभी निकली HPPSC की नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अभी अभी जो है एक सर्कुलर, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो HPPSC ने अपनी वेबसाइट में डाला है। और जैसे कि हम लोग अटकलें लगा रहे थे उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके HS का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है टिल दी फर्दर डेट्स। एंड ऐसा क्यों हुआ, जैसे हमने देख ही रहे हैं दोस्तों, पूरे देश में COVID-19 का पेंडेमिक चल रहा है और इस करके सारा देश जो है वो लॉकडाउन में है। हिमाचल में भी हम इस तरह का लॉकडाउन देख सकते हैं। इस करके इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पहले ही सोच रहे थे कमीशन जो है वो अपने एग्जाम्स की डेट्स हैं उनको डिले कर देगा। एंड ये नोटिफिकेशन जो है वही बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि इस एग्जाम को हम लोग फर्दर डिले या फर्दर जो है इसकी नोटिफिकेशन या फर्दर इसकी डेट हम लोग देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपको देखने की जरूरत है कि इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम की जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो है HP Allied Mains एग्जामिनेशन। वो भी जो है आगे जाके कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाएगा। देखिए, इसकी एज एन सच कोई डेट नहीं आई है। हम लोग सोच रहे थे कि इसकी डेट जो है समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगी, बट इस सर्कुलर के आने के बाद हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि ये एटलीस्ट आपको सेकेंड वीक मई तक जा सकता है। ये दोनों ही एग्जाम जो है सेकेंड वीक मई के बाद ही लिए जाएंगे, आपका बोथ HS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज जो आपका HP Allied Mains एग्जामिनेशन है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोग आपको इस तरह से विजुलाइज करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, एटलीस्ट अगर हम मान के चलते हैं कि 14 अप्रैल तक आपका लॉकडाउन रहेगा, 14 अप्रैल तक का भी लॉकडाउन रहता है, उसके बाद भी कमीशन को एक महीना चाहिए ये सारी प्रेपरेशंस करने के लिए कि वो प्रिलिमिनरी एग्जाम ले सकें या वो HP का जो आपका एलाइड का मेंस एग्जामिनेशन है उसको ले सकें। क्योंकि अराउंड 2500 बच्चे बुलाए हुए हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए HP एलाइड के, एंड प्रिलिमिनरी भरने वाले भी बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास में होते हैं। सो अगेन इस करके बहुत सारे जो है स्कूल्स की एलोकेशन करनी होती है, एंड दैट इज बहुत सारे पेपर छापने होते हैं, ये सब चीज करके जो है इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट एक महीना तो चाहिए। मुझे तो लगता है एक महीने के बाद भी, एक महीने के अंदर भी ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लॉकडाउन का इफेक्ट होगा, बहुत सारी जो चीजें वो जो जनजीवन है, जो बहुत सारा जैसे इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, वो जो है अस्त व्यस्त हो रखी होंगी। सो इस करके आई डोंट थिंक सो कि ये जो है अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक मई के बाद होंगे। दोनों ही पेपर आपके सेकेंड वीक मई के बाद होंगे। और अगर ये जो लॉकडाउन है ये थोड़ा और डिले हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह से केसेस राइज कर रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद हम लोग लॉकडाउन में सडनली जो है ढील देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ग्रेडेड लॉकडाउन में चेंजेस या लॉकडाउन को बहुत धीरे धीरे कम करेंगे। तो इस करके भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट सारा अप्रैल आपको जो नॉर्मल जो है डेली रूटीन में आने के लिए एटलीस्ट सारा अप्रैल लग जाएगा। सो वट आई फील इज कि आपका पेपर जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंड वीक मई से लेके फोर्थ वीक मई तक में पोस्टपोन हो सकते हैं। दोनों ही पेपर जो आपका एलाइड एग्जामिनेशन है एज वेल एज आपका आपका एचपी सॉरी आपका HS प्री का एग्जामिनेशन है। सो इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो आपके टेस्ट सीरीज जो हम लोग ले रहे हैं बोथ HP एलाइड की एज वेल एज HS की, इसमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। दोनों में हम लोगों ने थोड़ा ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी है, सो दैट हम लोग बच्चों को और ज्यादा होलिस्टिक प्रिपरेशन दे सके, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सके ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स को और थॉरली रिवाइज कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए देखते थोड़ा बहुत हम लोगों ने शेड्यूल में क्या चेंजेस किए हैं। बट उससे पहले आपको हमारे जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी सेशन हम लोग यूट्यूब में कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी सेशंस आप ऑनलाइन दे रहे हैं, उसके सेशंस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, जिसका कि लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं कि जो टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल है उसको हमने किस तरह से रिवाइज करा। मैं यहाँ पे HP एलाइड सर्विसेज के जो है शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, मेंस के शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था हम लोगों ने 12 टेस्ट कंडक्ट करने थे, और ये 12 टेस्ट जो है हमने पहले 3 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हैं, एंड इन टेस्ट से जो है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, थैंक यू वेरी मच टू यू पीपल। एंड इसके बाद के जो टेस्ट है उन्होंने हमने थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि जो टेस्ट के बीच में गैप है वो बहुत कम है और उनको एज इन सच रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने एटलीस्ट 5 डेज का गैप जो है वो देना स्टार्ट करा है इन दी टेस्ट, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है हम लोग सेकेंड वीक मई तक चलाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो अगले आपके टेस्ट होने वाले हैं, एटलीस्ट जो आपके अगले 7 टेस्ट होने वाले हैं उसमें या 6 टेस्ट होने वाले हैं उसमें हम लोग
आपको 5 दिनों का गैप देंगे, जिसमें आपको अल्टरनेटिवली आपके जीएस के पेपर होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम लोग जब अपने मई के टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ड्यूरेशन है उसे कम कर देंगे और होलिस्टिक आपके पेपर लेंगे, जो कि आपके 4 बाकी होलिस्टिक पेपर्स हैं। ठीक है जी। सो इस तरह से हमने थोड़ा शेड्यूल को चेंज किया है, आई होप आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे एंड इसी के साथ अपनी रिवीजन को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। सो एचपी अलाइड मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, इट इज वेरी मच लाइव एंड आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी भी। जो आपको इसको सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको हमारी अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। ये आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऐप स्टोर में मिल जाएगी। ओटो एस अकेडमी जाइए, डाउनलोड करिए एंड वहां पे आपको हमारी एचपी अलाइड मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी हुई है, प्लीज गो एंड बाय इट। एंड ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू एटलीस्ट इंक्रीज 40% ऑफ योर मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में। बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हम लोग इसकी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एचएएस की जो प्री की टेस्ट है, प्री की टेस्ट सीरीज, इसको भी हमने और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है। बहुत सारे और टेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किए हैं एंड ये भी कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एडिशन करेगा आपके प्रेपरेशन के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एचपी के जीके का कोर्स, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने बनाया हुआ है एचपी के जीके के रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत सारी हमें क्वेरीज आ रही हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए एचपी जीके के लिए, वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है जो अगले साल मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज लगे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इस जो टाइम फ्रेम जो आपको मिला है, जो ड्यूरेशन आपको मिला है, इसमें आपको ढीला होने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने तैयारी को जो है ट्राई करें कि आप अपने तैयारी को अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क रखें एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बहुत जरूरी है मोटिवेटेड रखना एंड ये सोचिए कि आपको ये जो टाइम मिल रहा है, इसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ और आप जो है अपनी सिविल सर्विसेज के ड्रीम को पा सकते हैं। सो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव था। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अस बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल O2IS Academy। और हम लोग आते रहेंगे वापस आपके पास बहुत ही सारे इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।